कि आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इससे रिलेटेड पहले हमारे जितने भी वीडियोस आए हैं उनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप विजिट करके देख लीजिएगा। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी इतने टाइप्स की होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल में सेपरेबल, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, लीनियर इक्वेशंस, रिड्यूसिबल टू लीनियर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर प्रत्येक टाइप को सोल्व करने का अपना एक पर्टिकुलर मेथड है। यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे, पता करेंगे कि अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की है या नहीं। पता चलते ही आप आएंगे कि वो किस टाइप की है। टाइप का पता चलते ही आप आएंगे उस टाइप के मेथड पर कि उस टाइप की इक्वेशन को आप कौन से मेथड या किस तरीके से सोल्व करते हैं। आज हम होमोजीनियस ले रहे हैं, इससे पहले हमने वेरिएबल में सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया था। कि मैंने आज यहाँ पर अपना पहला एग्जांपल लिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। आप पता कैसे लगाएंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की है। तो इसके लिए मैं जैसे ये कोई एक जनरल टर्म लिखूं अपने डिफरेंशिएशन की, जहाँ पर n इसका ऑर्डर कहलाता है, m इसका डिग्री कहलाता है। यदि n इज इक्वल टू वन ले लूँ, m इज इक्वल टू वन ले लूँ, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म का बनेगा। यानी जो डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म है वही अपने फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की टर्म है। तो जिस इक्वेशन में यदि डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म हो गई वो मेरी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जैसे ही मुझे पता चलता है तो मैं देखूंगा क्या मैं इसमें एक्स और वाई के अलग अलग फंक्शन बना सकता हूँ, जैसे हमने वेरिएबल में सेपरेशन में उसको अच्छे से समझा था। तो यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो मैं एक्स और वाई के अलग अलग फंक्शन नहीं बना सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ। तो अब मैं किस पर आऊँगा, मेरे सेकेंड टाइप पर यानी होमोजीनियस पर। होमोजीनियस में आपको क्या करना है, इस पूरी टर्म को वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में बनाना ही, फॉर्म में बन जाती है तो इसका मतलब हुआ कि ये होमोजीनियस है। तो ऊपर मैं जैसे इसे एस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है, नीचे एक्स स्क्वायर में बाहर ले लूँ तो वाई अपॉन एक्स माइनस वन। तो आप देख सकते हैं ऊपर एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर फाई फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। यहाँ पर ऊपर भी अपनी डिग्री दो है, जो एक्स की पावर मात्र उसको हम डिग्री कहते हैं, नीचे भी दो है यानी ऊपर नीचे अपनी डिग्री समान है। इसका मीनिंग यह हुआ कि होमोजीनियस इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप सीधी सी बात याद रखें कि आप वाई अपॉन एक्स में यदि बदल सके इसे तो वो अपनी होमोजीनियस होगी, नहीं बदल सकते हैं तो फिर होमोजीनियस नहीं होगी। देखिए यहाँ पर यदि वाई स्क्वायर आता, यहाँ पर वाई स्क्वायर आता तो क्या हम इसे बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। यहाँ पर क्या आता है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स आता है। तो यहाँ पर कंडीशन यह है कि जो वाई अपॉन एक्स की टर्म बन रही है उनकी दोनों की पावर ऊपर और नीचे यानी सेम होनी चाहिए, यानी आप उन्हें इस प्रकार से एक पावर में लिख सकें, जैसे वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर वन, ठीक है, यह समझ आ गया। अब हम इसका मेथड क्या है यह जानते हैं। यहाँ पर आप y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे इसके दोनों, और यदि आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपके पास आएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये सारी यहाँ पर वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दें, y इज इक्वल टू वी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर अपना कुछ इस प्रकार का ये बनेगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वी माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर बाहर लें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अपना कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वन बन रहा है। अब मैं ध्यान से देखूं और इस v से बात करूं कि भाई तुम भी उस तरफ चला जाओ, ये अपना उस तरफ आकर इस तरफ प्लस का है माइनस का हो जाएगा। इसे और आगे मैं सोल्व करूं
ये कुछ इस फॉर्म का आएगा, जहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यानी वी अपॉन वी माइनस वन आ गया। अब ध्यान से देखूँ मैं, प्यार से देखूँ तो इस तरफ केवल मेरा वी का फंक्शन है, इसे मैं डी वी के मल्टीप्लाई में भेज दूँ। एक्स अपॉन डी एक्स को मैं इस तरफ भेज दूँ तो वी माइनस वन अपॉन वी डी वी डी एक्स अपॉन एक्स आ रहा है, यानी वेरिएबल का अपना सेपरेशन हो गया है। तो इस प्रोसेस, इस मेथड के द्वारा हमने क्या किया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल एंड सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। जैसे ही वेरिएबल में सेपरेट हो जाती है अपनी इक्वेशन, तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। याद रखें, फिक्स है, वेरिएबल में सेपरेट होते ही इंटीग्रेशन करता है, इंटीग्रेशन से अपना सॉल्यूशन आता है। तो इस यहाँ पर इसका मैं इंटीग्रेशन करने से पहले इसे मैं थोड़ा सा सोल्व करना चाहूँगा, तो आएगा वन माइनस वन अपॉन वी डी वी डी एक्स अपॉन एक्स। वन का अपना वी हो गया, वन अपॉन वी का लोग वी, वन अपॉन एक्स का लोग एक्स प्लस आप चाहें तो लोग सी लिख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर ध्यान से देखें तो वी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन एक्स, ये लिखना जरूरी है तब आपका फाइनल आंसर आएगा। वाई अपॉन एक्स लोग एक्स प्लस लोग सी। अब आप इसे और आगे सोल्व करना चाहें तो यहाँ पर लोग की प्रॉपर्टी लगाएंगे आप, इसको इस तरह भेजेंगे तो ये तीनों प्लस में आएंगे। तो हम जानते हैं लोग की प्रॉपर्टी, लोग एम प्लस लोग एन इज इक्वल्स टू लोग एम एन होता है, यानी यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो x से x गया, अब एंटी लोग ले लें तो वाई सी इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई अपॉन एक्स, सी को उस तरह भेज दूँ और वन अपॉन सी को एक नया कांस्टेंट मान लूँ, ये अपना इसका सॉल्यूशन आ जाता है। यानी जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो कहाँ से प्राप्त हुई, यहाँ से प्राप्त हुई थी। एक ऐसा ही मस्त क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पर पहले हम चेक करेंगे क्या वेरिएबल में सेपरेबल है, तो मैंने देखा नहीं है तो मैं चुपचाप ऊपर एक्स स्क्वायर बार लेता हूँ, वाई अपॉन एक्स नीचे भी एक्स स्क्वायर बार लेता हूँ, तो वन प्लस वाई अपॉन एक्स का होल वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर आ रहा है। यानी ऊपर भी डिग्री दो नीचे भी डिग्री दो, या सीधी बात कहूँ तो ऊपर भी मेरा वाई अपॉन एक्स का फंक्शन बन रहा है, नीचे भी वाई अपॉन एक्स का फंक्शन बन रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम अपनी होमोजीनियस है, ठीक है, या आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी भी पावर दो है। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी वन मतलब इस पद की पावर, यदि यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक्स की जगह वाई होता तो क्या आता, वाई स्क्वायर, यानी इसकी पावर दो, इसकी पावर दो, इसकी पावर दो, इसकी पावर दो, सबकी क्या है पावर पावर, या यूँ के डिग्री दो दो है, या आप इससे याद रख लीजिए, आप जैसा समझते हैं आपको जो उपयुक्त लगता है वैसे समझिए, ठीक है। लेकिन होमोजीनियस की आपको पहचान होनी चाहिए। आप पता लगाया कि होमोजीनियस है तो वाई इज इक्वल टू वी एक्सपुट करेंगे, उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आप देख सकते हैं यह इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वाई इज इक्वल टू वी एक्सपुट करना है तो एक्स स्क्वायर वी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बार लूँ तो ऊपर ये बन गया नीचे यह बन गया। अब वी भाई से बात करूँ, भाई तुम उस तरफ चला जा तो यह उस तरफ आएगा, लेकिन अपने साथ माइनस भी लाएगा इस, क्योंकि इस तरफ प्लस का था। और आगे हल करूँ ये कुछ इस प्रकार की आएगी, वी से वी उड़ गया, ऊपर क्या बचा, वन माइनस वी क्यूब अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर है। यहाँ पर ध्यान से देखें, गौर से देखें, ये v का फंक्शन है तो इसको मैं dv के मल्टीप्लाई में भेज दूँ तो वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी क्यूब dv, इसको इस तरह भेज दूँ dx अपॉन x बन रहा है। जैसे ही वेरिएबल में सेपरेशन होता है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर इसका सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, इंटीग्रेशन किसके द्वारा करेंगे हम, यहाँ पर
अपने पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, मैं जानता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए इज इक्वल टू इसके लिए वन है, बी इज इक्वल टू वी है। मैं वन माइनस वी क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस वी, वन प्लस वी प्लस वी स्क्वायर। फ्रैक्शन में इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए अपॉन वन माइनस वी प्लस बी वी प्लस सी अपॉन वन प्लस वी प्लस वी स्क्वायर। इसे और आगे सोल्व करूँ तो वन प्लस वी स्क्वायर प्लस बी वी प्लस सी मल्टीप्लाई विथ वन माइनस वी अपॉन वन माइनस वी वन प्लस वी स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से देखा तो यह कैंसिल हो गया, अपना आता वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन प्लस वी स्क्वायर प्लस बी वी प्लस सी वन माइनस वी। अब इसे मुझे सोल्व करना है और ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। सोल्व करने का आसान सा मैं तरीका बता दूं, यदि आप वी इज इक्वल टू वन पुट कर देते हैं तो इसका काम तमाम हो जाएगा, वन माइनस वन होगा ये जीरो हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा वन प्लस वन ए वन प्लस वन, वन का स्क्वायर वन होता है, यानी ए इज इक्वल टू ये टू और ये थ्री, टू अपॉन थ्री आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम ए की ये वैल्यू पुट कर दें और वी इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर दें, वी इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर वन होगा टू बाई थ्री। यहाँ पर ये यहाँ पर माइनस वन आएगा, ये इसको उड़ा देगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होगा। यहाँ पर माइनस बी प्लस सी और यहाँ पर देख सकते हैं माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू टू आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको इस तरह भेजता हूँ तो टू यानी सिक्स माइनस टू अपॉन थ्री, टू बी माइनस प्लस टू सी, यानी तो यहाँ पर यदि मैं ऐसा करता हूँ तो भी कोई ख़ास मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर भी मुझे इस इक्वेशन की सहायता लेनी पड़ेगी, यानी बोथ साइड वेरिएबल के कोफिशेंट का कंपेयर करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, यहाँ पर इसको आप यूज़ मत लें, इसको आप चाहे तो एक की वैल्यू के लिए या किसी एक कोफिशेंट की वैल्यू के लिए काम में ले सकते हैं, ये आप काम मत दीजिए। आप क्या करें, पहले इसे थोड़ा सा सरल कीजिएगा, यानी सबको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाइए, तो ए प्लस ए वी प्लस ए वी स्क्वायर प्लस बी वी प्लस सी माइनस बी वी स्क्वायर माइनस सी वी आ रहा है। ध्यान से देखें तो वी के मल्टीप्लाई में, यानी वी का जो वी कोफिश वी के मल्टीप्लाई में कोफिशेंट कौन कौन से आ रहे हैं, ए बी और माइनस सी, वी स्क्वायर के ए माइनस बी, बचे कौन अपने ए प्लस सी बच गए, इज इक्वल्स टू क्या है वन प्लस वी स्क्वायर। अब ये किसके तुल्य होगा, वन के, ये किसके तुल्य होगा वन के, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ वी स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, ये किसके तुल्य होगा जीरो के। अब फिर इक्वेशन आएगी, उनको हल करेंगे हम, जैसे मैंने सोल्व किया यहाँ पर ये किसके तुल्य आया जीरो के तुल्य, क्योंकि इस तरफ वी के टर्म नहीं है, तो लिख सकता हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पर ए प्लस सी किसके तुल्य, वन के तुल्य, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ओके। ए माइनस बी ये भी किसके तुल्य, वन के तुल्य। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से कंपेयर करूँ, इसको और इसको, तो ये भी वन के तुल्य, यानी इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ए कैंसिल हो गया, बी इज इक्वल टू माइनस सी आ गया, बी इज इक्वल टू माइनस सी, बी इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास माइनस सी, ये यहाँ पर पुट करता हूँ तो इस तरफ आके ए इज इक्वल टू टू सी हो जाएगा, ए इज इक्वल टू टू सी, ए इज इक्वल टू टू सी, और ये मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो थ्री
सी इज इक्व टू वन आएगा, यानी सी इज इक्व टू वन बाई थ्री, ये यहाँ पर पुट करूँ तो ए इज इक्व टू बाई थ्री, ये सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो बी इज इक्व टू माइनस वन बाई थ्री, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे, फिर इसको यहाँ पर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, यदि इंटीग्रेशन में आपके कहीं पर कोई गलती होती है तो फिर आपकी प्रॉब्लम होगी। वेरिएबल में सेपरेट होने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, अब इंटीग्रेशन करते हैं तो वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स इसका होगा माइनस टू बाई थ्री लॉग वन माइनस वी, अगेन यहाँ पर हम फंस जाते हैं, वन अपॉन थ्री वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन डी वी। यहाँ पर फिर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे, प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसे एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से, नाउ अब हम जानते हैं कि इस प्रकार का है होता है, तो हम एक पार्ट में तो टी मान कर करते हैं, एक पार्ट में हम कोई फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी इसको टोटल स्क्वायर बनाकर। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन किया है, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे यही आएगा ये, और ये कुछ स्टैंडर्ड टाइप के डिफरेंशिएशन है, इनको आप इंटीग्रेशन की जो टर्म है, इंटीग्रेशन का जो टाइप है, उन्हें आप याद करके रखें। तो यहाँ पर अब मैं इसमें इसका अलग से भाग दे दूँ, इसमें इसका अलग से भाग दे दूँ, तो यहाँ पर माइनस थ्री बाई टू अपॉन ये आएगा। इसको मैं यदि पूर्ण वर्ग बनाऊँ, इसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूँ, यहाँ पर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूँ इस टर्म को, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, वन बाई फोर घटाना और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरा इस फॉर्म का बनता है, उसके बाद यहाँ पर नीचे के टर्म को हम टी मानते हैं और करते हैं लोग, ये आता है, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होता है, या यहाँ पर इस वेरिएबल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर तो उसका टेन यूनिट्स होता है, टेन यूनिट्स ये अपॉन ये होता है अपॉन ये होता है, ठीक है। तो अब इसे का मान ये आ जाता है, अब इसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मेरे पास फाइनल इसका अपना रिक्वायर्ड आंसर आएगा टू बाई थ्री लोग वन माइनस वी माइनस वन बाई थ्री वन बाई टू लोग, ये आ जाता। अब हमने y इज इक्वल टू वी एक्स माना है, तो v इज इक्वल टू क्या है y अपॉन x, सब में y इज इक्वल टू v अपॉन x पुट करेंगे तो अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा, सोल्व करेंगे तो log x c, ठीक है। यहाँ पर जो हमने c माना है उसको इस तरफ यदि log c मान लें अच्छा रहेगा, ताकि हम इस यहाँ पर log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सके, लोग की प्रॉपर्टी ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। यहाँ पर वी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स रखा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सीधा वन अपॉन सिक्स लिख सकते हैं, माइनस का वन अपॉन सिक्स लोग वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वन वन अपॉन अंडर रूट ऑफ थ्री टेन इनवर्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन अंडर ऑफ थ्री। इसे आप थोड़ा सा और आगे मैनेज करेंगे, सोल्व करेंगे तो इसका अपना रिक्वायर्ड आंसर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप चाहें तो इसे यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर छोड़ना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यदि आप लोग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं फिर आपको लोग की प्रॉपर्टी लगाना चाहिए। लोग की प्रॉपर्टी क्या है, ये इसके पावर में आ जाएगा, ये भी इसके पावर में आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस के हो गए, पावर में केवल किसको भेजा टू बाई थ्री, वो भी प्लस का, ये प्लस में है तो लोग की प्रॉपर्टी तीनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और ये अपना इस तरफ रह जाएगा, ये अपना इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, इसमें हमें डी बाई अपॉन डी एक्स के इक्वल्स टू ये दे रखा है। यहाँ पर पहला आप क्या ट्राई करेंगे, वेरिएबल में सेपरेशन का ट्राई करेंगे, लेकिन वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यानी वेरिएबल का सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो आप किस पर आएंगे, होमोजीनियस पर। होमोजीनियस में आप ऊपर
एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे तो 1 प्लस 3y अपॉन एक्स का स्क्वायर बन रहा है, नीचे भी एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे तो 3 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर बन रहा है, यानी अपनी y अपॉन एक्स की फॉर्म बन रही है। ऊपर भी बाहर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यानी ऊपर जो आप कॉमन लिया है वो ही नीचे कॉमन लिया, यानी ऊपर नीचे डिग्री दोनों फंक्शन के समान है। ठीक है, जैसे ही पता लगा कि होमोजीनियस है तो हम यहाँ पर y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, उसके बाद इसका दोनों ओर डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये टर्म आती है, इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऊपर भी एक्स स्क्वायर बाहर लिया, नीचे भी एक्स स्क्वायर बाहर लिया, तो एक्स स्क्वायर एक दूसरे को उड़ा देंगे। ऊपर बचा यह, नीचे क्या बचा, सॉरी यहाँ पर थ्री और आएगा, ये थ्री यहाँ लिख देता हूँ मैं, वन प्लस थ्री वी स्क्वायर अपॉन थ्री प्लस वी स्क्वायर आया। ठीक है, वी को उस तरह भेजता हूँ नेक्स्ट स्टेप में मैं, अब इसे और मैं आगे बात करता हूँ कि भाई और आगे चल, तो यहाँ पर उठाएंगे माइनस थ्री वी माइनस वी क्यूब अपॉन थ्री प्लस वी स्क्वायर। यदि ऊपर आप ध्यान से देखें तो माइनस बार कॉमन लेंगे तो अपना यह किसका फॉर्म बनेगा, ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्म बनेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर ए होता है। तो ऊपर मैं क्या लिखता हूँ, माइनस बार लेने पर वन प्लस वी का क्यूब नीचे थ्री प्लस वी स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो इस तरफ केवल अपना वी का फंक्शन बचा है, यानी इसको मैं डी वी के मल्टीप्लाई में भेज दूं, यहाँ पर एक्स डी एक्स को उस तरह भेजेंगे तो वेरिएबल का अपना क्या हो चुका है, हम देखेंगे तो सेपरेशन हो चुका है, यानी वेरिएबल अलग अलग हो चुके हैं। जैसे ही वेरिएबल अलग अलग होते हैं तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, और यह प्रोसेस हम किसके लिए किया, इसके लिए तो किया कि हम वेरिएबल को अलग अलग कर सकें। तो यहाँ पर थ्री प्लस वी स्क्वायर माइनस, चाहे तो आप भेज दें, वन प्लस वी का क्यूब डी वी डी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन में आएगा एक्स। अब इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन, वेरिएबल में सेपरेट होते ही हम क्या करते हैं अपना इंटीग्रेशन इसके सॉल्यूशन के लिए, जो कि आपके वेरिएबल में जो सेपरेबल होने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पर भी काम आता है। अब एक तरफ तो अपना आसानी से हो जाता है इंटीग्रेशन, लोग एक्स प्लस लोग सी, लेकिन इस तरफ हमें कुछ मानना मूनना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि मैं वन प्लस वी को टी मान लूँ तो डी वी इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि यह वन कॉन्स्टेंट इसका जीरो, वी का डी वी और ये डी टी। ठीक है, टी इज इक्वल यानी वी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, टी माइनस वन। तो ऊपर ध्यान से देखें, वन प्लस वी के जगह टी माइनस वन का स्क्वायर डी टी अपॉन टी क्यूब बन रहा है। ठीक है, वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन अपॉन टी क्यूब डी टी इज इक्वल टू सेम। अब टी क्यूब का मैं भाग दे दूं अलग अलग पर, मेरे पास आएगा टी टू द पावर माइनस थ्री वन अपॉन टी
टू अपॉन टी स्क्वायर, ये वन और वन टू हो जाएगा, एक ही बात है, यहाँ पर ये लिख दें आप, ठीक है। डी टी इज इक्वल टू लोग एक्स प्लस लोग सी। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है अपना, टी टू दी पावर माइनस थ्री प्लस वन अपॉन टी टू दी पावर माइनस थ्री प्लस वन, सॉरी अपॉन माइनस थ्री प्लस वन, जो पावर होती वो आती वन अपॉन टी का लोग टी होगा, यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगेगा, माइनस ये ऊपर आएगा तो माइनस का होगा, इज इक्वल्स टू लोग एक्स प्लस लोग सी। सॉरी यहाँ पर एक हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी है, ये यहाँ पर थ्री है ना कि वन, मैंने यहाँ पर वन लिख दिया, ये क्या आएगा थ्री आएगा, यहाँ भी थ्री आएगा, वन प्लस थ्री क्या होगा फोर होगा, यहाँ पर भी क्या आएगा फोर आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो माइनस है ये इस पूरे इंटीग्रेशन के बाहर है, माइनस क्या है पूरे इंटीग्रेशन के बाहर है, तो फिर हम इसको सोल्व करके माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए यहाँ पर अपॉन में क्या आएगा माइनस टू आएगा, ये इसको टू करेगा तो ये यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस, यहाँ माइनस बनाएगा ये माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस आएगा तो अगेन माइनस हो जाएगा, यानी और टी की जगह हम वी प्लस वन पुट कर दें तो लोग माइनस वन प्लस वी प्लस वन माइनस टू अपॉन वी प्लस वन, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा टी टू दी पावर माइनस वन आएगा जो कि अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर टी टू दी पावर माइनस टू आएगा प्लस टू वी प्लस वन का स्क्वायर प्लस सी, या हमने पहले मान रखा है इज इक्वल्स टू में लोग एक्स प्लस लोग सी, ठीक है। अब एक्चुअल में जो v है वो क्या है, v हमने यहाँ पर y इज इक्वल्स टू वी एक्स माना है तो v y अपॉन एक्स है, v क्या है y अपॉन एक्स है, तो यहाँ पर फाइनल जो अपना आंसर आएगा ना उसमें v इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स लिखना ना भूलें, यहाँ पर y प्लस एक्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन y प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लोग एक्स प्लस लोग सी। आप चाहें तो इसे इस तरह भेज सकते हैं, फिर लोग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है यदि नेक्स्ट स्टेप करते हैं या नहीं करते हैं, यदि कर देते हैं तो अच्छी बात है, वो जितना आप सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं उतना सिंपलीफिकेशन कीजिएगा। मैं इस तरह भेजता हूँ तो ये प्लस का होगा, लोग की प्रॉपर्टी एक दूसरे के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, इसे भी हम इस तरफ ले आते हैं ये प्लस का, इसे भी इस तरफ ले आते हैं प्लस लोग सी इज इक्व टू ज़ीरो आ जाता है। अब इन दोनों को भी हम सल्व कर देते हैं तो लोग y प्लस एक्स यहाँ पर अपना आएगा टू एक्स वाई अपॉन वाई प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस लोग सी इज इक्व टू ज़ीरो, क्योंकि ये यहाँ पर y प्लस एक्स इसके मल्टीप्लाई में होगा, फिर यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स वाई बचेगा ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की वीडियो में हम करेंगे, आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद आभार। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतने आपके ये क्वेश्चन परफेक्ट होंगे।